ब्रजमंडल के प्रमुख मंदिरों का उत्तर प्रदेश सरकार अधिग्रहण करने जा रही है। सरकार द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा इसे लेकर थोड़ी सी हलचल भी शुरू कर दी गई है। सरकार की इस मंशा की जैसे ही ब्रज के सभी मंदिर सेवाएं पुजारियों को और पुरोहितों को खबर लगी तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उसी विरोध के चलते आज गोवर्धन में बस अड्डे के सामने एक विशाल जनसभा का आयोजन अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के बैनर तले किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में मंदिरों के सेवायत पुजारियों साधु संतों ने भाग लिया। मंच से ब्राह्मण साधु संतों ने योगी सरकार की मंशा को ब्राह्मण और धर्म विरोधी बताया। वक्ताओं ने यहां तक कहा कि आज तक उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकार ने मंदिरों का अधिग्रहण नहीं किया, वहीं राम मंदिर बनाने वाली सरकार कृष्ण के मंदिरों को छीनने का प्रयास कर रही है। इसलिए मैं पहले ही आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन मेरे मन में एक पीड़ा है, उसको व्यक्त करने के लिए मैं यहां आपसे अनुमति ले रहा हूं। सरकार का जो चल रहा है तो मैं बता दूं, मैं मीडिया से हूं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल का पत्रकार हूं, तो दिन रात हम देख रहे हैं कि श्राइन बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार बनाने जा रही है और प्रथम चरण में गोवर्धन के तीन मंदिर प्रमुख दानघाटी मंदिर, मुखारबिंद मंदिर और मुकुट मुखारबिंद, इनको ले रही है और इसके साथ ब्रज के 13 मंदिर हैं उनको भी अधिग्रहण करने की योजना है। सरकार की योजना है कि यहाँ पर विकास करना है, तो मोदी जी विकास पुरुष कही जाते हैं, उनकी सरकार है तो स्वाभाविक है विकास की तरफ उनका ध्यान है। तो मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ कि किसी भी जगह का, किसी स्थान तीर्थ का विकास किया जाता है तो क्या वो अधिग्रहण करके ही किया जा सकता है? मसलन उदाहरण पेश कर रहा हूं, हमारे नंदबाबा मंदिर का 20 साल पहले जीर्णोद्धार हुआ और वो वृंदावन के जानकी दास जी ने कराया, उनके द्वारा कराया गया, लगभग 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने मंदिर में लगाए, मंदिर एक्सटेंशन भी किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई नंदगांव के गोस्वामियों मंदिर को पहले मेरे नाम कर दो तब विकास कराऊंगा। उन्होंने विकास कराया, पूरे गोस्वामी समाज ने सहयोग किया, बरसाना में विकास कराया, बरसाना के गोस्वामी ने सहयोग किया, तो ऐसे ही ब्रज मंडल का समाज पूरी सरकार योगी जी को सहयोग करने को तैयार है। आप आइए, आप विकास कीजिए, आप 1 कदम बढ़ाओगे हम 10 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन अधिग्रहण करके विकास ये कैसी योजना है? ये तो एक तरह से मंदिरों को कब्जाने की नियत है। राम मंदिर का तुमने नारा दिया, हम बता रहे छोटे छोटे थे, राम मंदिर का जब आंदोलन था बड़ी अंदर हिंदू के भावना से थी, हम भी नारे लगा देते, मेरे बाबा अटल बिहारी जी के साथ उन्होंने साझा की है, हमारे छाता क्षेत्र के विधायक किशोरी श्याम को 2 बार टिकट दिलाने मेरे बाबा गए, हम शिशु मंदिर में पढ़े, श्री जी बाबा में पढ़े, आपके जतिप्रा श्री जी बाबा में मैंने पढ़ाया है। तो अगर भावना की बात हो, क्यों यहाँ के जो माननीय मंत्री जी ने, कल मैंने उनका स्टेटमेंट सुना, तो उन्होंने कहा कि चंद लोग, ध्यान देना, चंद लोग हैं जो इस श्राइन बोर्ड अधिकरण का विरोध कर रहे हैं और उनका पूरा परिवार आरएसएस की विचारधारा का है, लेकिन जब बात अपने इष्ट पर, अपने मंदिर पे आएगी तो हम कोसों दूर कर देंगे इस विचारधारा को, अपने इष्ट के साथ रहेंगे। दूसरी बात उठाई जा रही है कि यहां मंदिरों के सेवायत है, मैं कहना चाहता हूं थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है लेकिन मैं तथ्यात्मक बात कह रहा हूं, तो मैं ये सब सुन रहा हूं और लोगों में गलत संदेश जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि मंदिर सेवायतों का धन से लगाव है, मंदिरों में भेंट पूज आती है और वो उसको हड़प कर जाते हैं, मंदिरों पर कुछ ध्यान नहीं देते। तो मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम मंदिर हैं उनका अधिग्रहण किया क्या सरकार ने? सबसे पहले योगी जी अपने गोरखमठ का अधिग्रहण करते, एक नदी पास करते, लेकिन नहीं किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि योगी जी की अधिग्रहण की भावना नहीं है, वो तो यहां आए नहीं, उनको यहां से गलत फीडबैक दिया जा रहा है, ये बात है। और फिर वो मुख्यमंत्री हैं तो उनके लोग कहते हैं, वो विश्वास करते हैं। तो कल ये बात जो कही थी माननीय मंत्री जी ने कि कुछ लोग हैं, तो मैं उनको ये बात मीडिया के माध्यम से जाएगी, देख ले कितने लोग हैं, और ये सब एक एक परिवार से एक एक लोग आया, बस परिवार नहीं आया, अभी जब कुटुंब परिवार आएगा तो गोवर्धन में जगह नहीं होगी, का पैसा हम नहीं लेंगे।
लेकिन जो सेवा का अधिकार है वो ब्राह्मणों का सेवायतों का है, हम किसी को नहीं देंगे। और केरल का उदाहरण देखिए, मेरे व्हाट्सएप पे है और आप सबके पास है, वहां सरकारी भर्तियां हुई है और सरकारी भर्ती जब होती है तो उसमें 36 गैर ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के पुजारी उसमें नियुक्त हुए हैं। जब ये अधिकार होगा 122 अधिकार का मतलब है सरकारी विभाग बन जाना। तो आज सरकार आपको कह रहे होगा केवल हम तो विकास करेंगे, हम पुजारियों से कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा कहा है उन्होंने माननीय मंत्री जी ने कि भाई सेवायत से हम कुछ नहीं कह रहे, सेवायत आप सेवा कीजिए, हम तो केवल विकास पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, मान लिया आज आप सरकार में, आपकी भावना तो ये सरकार पर पट्टा आपका नहीं है, 5 साल बाद दूसरी सरकार आएगी, तीसरी आएगी, अब वो सरकार कहेगी कि ये पुजारी बढ़िया सेवा नहीं कर रहे, तो व्यवहार तो सरकारी हो गया, नियुक्ति निकाल दो। जब नियुक्ति होगी तो भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है भारतवर्ष का, किसी भी जाति का, और 50% आरक्षण होगा। तो आप खुद समझिए कि मंदिरों पर गैर ब्राह्मण सेवा करेगा, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, क्या योगी जी स्वीकार करेंगे उनके गोरख मठ में किसी को तिलवारी बनने देंगे? कदापि नहीं। तो हम तो ये उनसे विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं कि ब्राह्मण कभी भी आक्रोश में नहीं आता है, बुद्ध जी भी भर गए, अपना संदेश दे रहे हैं, लेकिन जब अधिकारों पर हनन होता है तो वो परशुराम का वंशज है, वो अपना अधिकार भी छीनना जानता है, उसकी रक्षा करना जानता है, जिसे वो सफल नहीं होने देंगे। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने कहा कि हम लोग श्राइन बोर्ड के पक्ष में थे और हमें जब ये पता चला कि सरकार श्राइन बोर्ड की आड़ में मंदिरों का अधिग्रहण करने जा रही है तो हम इसके विरोध में हैं। मंदिरों का अधिग्रहण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए चाहे हमें कहीं तक की भी लड़ाई लड़नी पड़े। हम विकास के पक्षधर हैं, हम चाहते हैं कि सरकार विकास करे, हम साथ में हैं, लेकिन मंदिरों का अधिग्रहण बर्दाश्त नहीं है। पूर्व में भी कई जगह मंदिरों का अधिग्रहण करने का प्रयास किया गया, हमने हर जगह विरोध किया और नहीं होने दिया, ऐसे ही हम यहाँ पर भी विरोध करेंगे। आपको चुनती है, आप राज्य का डेवलपमेंट करें, अच्छी सड़कें दें, बिजली दें, पानी दें, वनों का संरक्षण करें, हम आपके साथ हैं। तो बोले कि नहीं, हम यही करना चाहते हैं, परंतु जब हमको ये मालूम पड़ा कि इसकी आड़ में ये एनडीटी का बहाना लेकर के ये तीनों मंदिरों का भी अधिग्रहण करना चाहते हैं, तो हमने अपना विरोध शुरू किया। हमने इनको पूरा मौका दिया कि अगर ये आपकी मंशा नहीं है कि आप इनका अधिग्रहण नहीं करना चाहते, तो आप सीधा स्टेटमेंट दीजिए। कल भी अगर आपने टेलीविजन पर डीएम का स्टेटमेंट सुना होगा, उनसे पूछा गया कि भाई आपकी एनजीटी का प्रारूप क्या है, क्योंकि रिकमेंडेशन तो आप दे रहे हैं समय समय पर, और अगर ऐसी बात नहीं है कि आपको मंदिर अधिग्रहण नहीं करना है तो आप बता दें, यह आंदोलन खत्म हो जाता है। परंतु मौनम स्वीकृत लक्षणम, अगर आप किसी बात का जवाब न दें इसका मतलब आपके भीतर कोई खोट है। आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया, आपको कहीं से भी कोई संतोषात्मक जवाब नहीं मिला। हमने आरटीआई लगाई, कल हमारे पास में चीफ सेक्रेटरी से लेटर आया कि उन्होंने कॉपी को एड्रेस कर दिया डीएम को कि जो हमने इंफॉर्मेशन मांगी है वो हमको दें। ये मुझे क्योंकि कल ही लेटर मिला है, हम उनसे पता करेंगे। इसी क्रम में जब हमने देखा कि इनकी भावना है तो पूरे भारतवर्ष के तीर्थ पुरोहितों की भावना, सभी ब्रजवासियों की भावना ये रही कि हम एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ें। हम जमीनी लड़ाई भी लड़ेंगे, हम अदालती भी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ के मंदिर हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से भी जीते हुए हैं, हम हाई कोर्ट से भी जीते हुए हैं, और इस पर हमारा अधिकार है। जैसा कि मुझसे पहले पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जब यहाँ पर 10 आदमी भी नहीं आते थे, जब यहाँ पर भेंट के नाम पर चंद पैसे आते थे, तो क्योंकि भगवान हमारे लिए बाल स्वरूप है, हम अपने पास से ही सेवा पूजा करते थे। परंतु जैसे ही यहाँ पर करोड़ों आदमियों का आना शुरू हुआ, इन्होंने बोर्ड बना दिया। और एक बात याद रखिए, ये तीन मंदिर अधिग्रहण इनकी मंशा नहीं है,
उन्होंने पूरा विकास बोर्ड बनाया है, ये बरसाना भी लेंगे, ये नंदगांव भी लेंगे, ये गोकुल भी लेंगे, ये बिहारी जी भी लेंगे और ये पूरे प्रक्षेत्र को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। मैं पूछता हूं, अभी मैंने अपने इंटरव्यू में कहा कि जो भी अधिग्रहण होता है, मुझसे पहले हमारे बाबा ने भी कहा कि ये हिंदुओं के मंदिरों का क्यों अधिग्रहण होता है, आप मस्जिद क्यों नहीं अधिग्रहण करते, आप चर्च क्यों नहीं अधिग्रहण करते, आप गुरुद्वारा क्यों नहीं अधिग्रहण करते। अभी देखिए इस्कॉन मंदिर भी चल रहा है जहां करोड़ों का डॉलरों में ही पैसा आता है, आप उसका भी अधिग्रहण क्यों नहीं करते। अभी आप देखिए जन्मभूमि पर डालमिया चला रहा है, ये सब उसके ट्रस्टी बने हुए हैं, उसका अधिग्रहण आप क्यों नहीं करते। आपको लगा तो उसके राजी जहां पर के तीर्थ बैठे हुए हैं, हम इसका अधिग्रहण कर लें। मैं आपसे अधिक समय नहीं लूंगा, हम और आप साथ हैं, एक एक ब्राह्मण एक एक लाख आदमी के ऊपर भारी है, हम इस संख्या में यहां पर मौजूद हैं। यहां से हम फिर से शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आप टकराव की भावनाओं को छोड़िए, आपने जो एनजीटी में प्रारूप दिया है वो यहां के तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठ के आप मीटिंग करें, हम यहां के डेवलपमेंट में आपके साथ हैं, बशर्ते आपकी मंशा क्लियर हो कि न तो मंदिरों का अधिग्रहण होगा न तीर्थ पुरोहितों के किसी अधिकार को छीना जाएगा, तो हम आपके साथ में हैं, हम भी मथुरा का डेवलपमेंट चाहते हैं। तो कोई मुझसे ये पूछ रहा था क्यों जी आप डेवलपमेंट होगा कि सरकार जल्दी से जल्दी इसको चेते। मैं अपने महावन के भाइयों का बड़ा शुक्रगुजार हूं, जब ये 4 तारीख की मीटिंग की बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज हम अपने मंदिरों को बंद रखेंगे। मैं चाहता हूं कि इसी क्रम में अगर हमारी लड़ाई चले तो मेरे बरसाने के भाई बंद भी यहां पर आए हैं, हम बरसाने का मंदिर भी बंद करें। मैं आपसे कहता हूं हमारे विश्राम घाट पर शाम को सुबह रोज आरती होती है, हम एक दिन शाम को यमुना जी की आरती को भी बंद करेंगे इसी प्रोटेक्शन में। ऐसे ही गोकुल का मंदिर है, हम एक एक मंदिरों को बंद करें, यहां तीनों गिरिराज में मंदिर है, एक संडे हम तीनों मंदिरों को बंद करें। और इसी क्रम में हमारी लड़ाई आगे चली तो हम गंगा सभा के भी यहां पदाधिकारी बैठे हैं, इलाहाबाद प्रयागराज के भी बैठे हैं, हमारे भारतवर्ष में कम से कम 90 बड़े बड़े तीर्थ हम लोगों से अटैच हैं, हम चाहेंगे एक एक करके वहां भी बंद होगा, और नहीं होगा तो ये बिगुल, मैं लखनऊ की बात नहीं कह रहा, हम दिल्ली तक लड़ेंगे, कलेक्ट्रेट का भी घेराव करेंगे, परंतु किसी भी कीमत पर जब तक यह डिक्लेयर नहीं होगा कि मंदिरों का अधिग्रहण नहीं है तो हम श्राइन बोर्ड को भी नहीं बनने देंगे। श्राइन बोर्ड जब ही बनेगा जब उसमें तीर्थ पुरोहितों की भागीदारी होगी, हमारे हिसाब से हमारे हकों की उसमें रक्षा होगी, तभी यहां पर श्राइन बोर्ड बनेगा, नहीं तो ये लड़ाई अंतिम लड़ाई तक चलेगी। और हमको पूरा विश्वास है जब यहां पर इंद्र भी आया था बड़े घमंड के साथ तो उसका भी यहां पर पतन हुआ। एक में बड़ा अच्छा मैं नॉर्मल हद तक जाना पड़े वो जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, मरना पड़े मारना पड़े जो भी करना पड़े जरूर करेंगे। मैं समस्त ब्रजवासियों से निवेदन करूं पुनः कि आप लोग ये निश्चित कर लें केवल एक ब्राह्मणों की लड़ाई नहीं है, ये संपूर्ण ब्रजवासियों की लड़ाई है। गिरिराज जी पूरे 7 कोस के नहीं 84 कोस ब्रजमंडल के समस्त ब्रजवासियों के गिरिराज जी है, और यदि उनका अधिग्रहण होगा हम निवेदन करें। मध्य प्रदेश सरकार एक प्रोजेक्ट लेकर के आई है, मैं मध्य प्रदेश ज्यादा जाता हूं, मध्य प्रदेश सरकार एक प्रोजेक्ट लेकर के आई है पुरोहितम, उस पुरोहितम प्रोजेक्ट में सभी वर्णों के लोग सभी धर्मों के लोग उसमें पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे कि उसमें पूजा कैसे की जाती है मंदिरों में, और फिर वो पुजारी बनाए जाएंगे। यह धर्म का सबसे बड़ा आघात है राम जी, सबसे बड़ा आघात है। अभी हम लोग हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, और कल के दिन हम लड़ेंगे हिंदू हिंदू ही, वो कहेंगे हम पूजा करेंगे, हम कहेंगे हम पूजा करेंगे। ये लड़ाने की महाराज ये राजनीति है, आज हम हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं और कल राम जी हम हिंदू हिंदू लड़ेंगे। हम निवेदन करें उस पुरोहितम प्रोजेक्ट को महाराज मध्य प्रदेश सरकार लेकर के आई, ये वहां भी भाजपा सरकार है यहां भी भाजपा सरकार है,
जब सरकारीकरण मंदिरों का हो जाएगा तो महाराज मंदिरों में नियुक्ति भी सरकारों की तरफ से ही होगी। ये निश्चित कर लो कि कल के दिन आप चरणामृत आप मुसलमानों से लेने के लिए तैयार हो जाओ। यदि आप संगठित नहीं होते हो, इसका विरोध नहीं करते हो सकता है कि आपके मंदिर में कोई दाढ़ी वाला मूछ कटाए और महाराज पैजामा पहने और टोपी लगाए गोल गोल जालीदार वो चरणामृत बांटने के लिए बैठे और महाराज आपको चरणामृत लेना पड़े। यदि स्वीकार हो तो आप संघर्ष मत करो और यदि स्वीकार नहीं है तो सारे ब्रजवासी महाराज संगठित हो जाओ, विरोध करो, मरो और मार डालो। जय श्री सीताराम। जिसका नाम पहले से लोगों ने दे रखा है भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो भारतीय जुमला पार्टी है। हम चूंकि श्रीराम जन्मभूमि के प्रमुख पक्षकार है तो हम वहीं से चलेंगे। सबसे पहले राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये नारा पता है किसका है? ये नारा जुमला पार्टी का है। ये नारा एक कारनामियों का है, पाखंडियों का है, धूर्तों का है और समस्त हिंदुओं के पीछे छुरा लेकर के खड़े होने वालों का है। हम निवेदन करें आप लोगों से, भाइयों, मैं सभी नेताओं का विरोधी हूं, जितने भी नेता हैं भारत के मैं सबका विरोधी हूं, लेकिन दुश्मन तो सारे नेता हैं प्यारे बंधुओं, लेकिन दुश्मन दो प्रकार के हैं। एक दुश्मन है जो सामने धनुषबाण लेकर के टंकोर दे रहा है धनुषबाण में, आओ हमसे युद्ध करो। जैसे हम लोग एक आंधी चली 2010 11 12 से 14 तक, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, मायावती फलाने हैं, अखिलेश फलाने हैं, जो एक आंधी चली लोगों ने माहौल बनाया। हम मानते हैं कि ये सब खराब होंगे, ये हमारे दुश्मन होंगे, हम मान लेते हैं, लेकिन मानने के साथ साथ ये माने कि ये लोग वो दुश्मन है हमारे जो सामने होकर के हमें धनुष की टंकार दे रहे हैं कि आओ हमसे युद्ध करो। लेकिन राम जी, भारतीय जनता पार्टी आपकी वह दुश्मन है कि आपकी अंग रक्षक बन करके, आपका बॉडी गार्ड बन के, आपके सुरक्षा बल बन करके आपके पीछे खड़े हैं कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन पीछे से खड़े होकर के आपके छुरा भोंक रहे हैं। सही मायने में मेरा एक विचार है, अगर वास्तविक इस गवर्नमेंट को अगर श्री गिरिराज महाराज का अगर विकास ही करना था तो यहाँ के प्रोहितों को लेकर, यहाँ के संतों को लेकर एक बार कोई ना कोई एक सभा करनी चाहिए थी, एक बैठक करनी चाहिए थी और उसमें विकास कार्यों का अपना एजेंडा रखें। हम साइन बोर्ड का विरोध नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर वो हमारे मध्य में अपनी अच्छी बातों को रखेंगे तो हम उनको एग्री करेंगे, मानेंगे, परंतु ये नहीं है कि किसी को छीन कर आप अपना आधिपत्य जमाएं, ये संभव नहीं है। मेरे भाई बहनों, अगर इसी प्रकार से अगर मंदिरों का अधिग्रहण कर रही है गवर्नमेंट, मैं पूछना चाहता हूं, पुरातन पद्धति से अभी तक मंदिरों का अधिग्रहण हुआ, क्या किसी मस्जिद का अधिग्रहण हुआ है? क्या किसी ईसाई संस्था का अधिग्रहण हुआ है? जितने भी हुए हैं हिंदुओं के मंदिरों के अधिग्रहण हुए हैं, इसका मतलब क्या है? ये देश हिंदुओं का देश है, यहां पर हिंदू संस्कृति है। दूसरी बात, एक विप्र के लिए एक ही साधन है, परमात्मा की आराध्य की पूजा करना, वो भी अधिकार अगर आप छीन लेंगे तो विप्र बंधु जाएंगे कहां? मैं पूछना चाहता हूं, आज हर जगह तो आरक्षण है, किसी ब्राह्मण बालक को कहीं गवर्नमेंट की नौकरी मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आरक्षण में सब दूसरे अन्य समुदाय ले जाते हैं नौकरियां, तो ब्राह्मण बालक करेगा क्या? अगर अपने आराध्य की पूजा अर्चन करके वो अपनी जीविका का पालन कर रहा है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात एक और, अगर आपको अधिग्रहण ही करना है तो पहले जाइए मस्जिदों का अधिग्रहण कीजिए, ईसाई संस्थाओं का अधिग्रहण कीजिए, उसके बाद में हिंदुओं के मंदिरों का अधिग्रहण कीजिए, अन्यथा तो संत समाज अपने प्राणों की आहुति दे देगा।
मित्र बंधु अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, परंतु गिरिराज महाराज का अधिग्रहण नहीं होने दिया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा और नहीं होने दिया जाएगा। फिर के लिए सन 1885 से निर्मोही अखाड़ा मुकदमा लड़ रहा है। आज से 1528 में जब बाबर का आक्रमण हुआ तो निर्मोही अखाड़े ने लोहा लिया, युद्ध किया और उसके बाद में पुनः कब्जा किया उस ढांचे पर, अपने रामलला बनाए, सेवा पूजा चालू की, नारायण का पर प्रारंभ हुआ। उस मंदिर को 1885 से बाद दायर हुआ और आज तक देश का कोई भी मुसलमान, देश के नहीं विश्व का मुसलमान यह सिद्ध नहीं कर पाया कि वो बाबरी मस्जिद है या थी। लेकिन प्यारे बंधुओं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, उस ढांचे को तोड़ करके, उस मंदिर को तोड़ करके, पता है कौन सा मंदिर कि कौन सा ढांचा, जिस ढांचे के स्तंभों में, जिस ढांचे के पिलरों में हमारे हनुमान जी की, दुर्गा जी की, शंकर जी की मूर्तियां अंकित थी, जो ये सबूत थे कि ये मस्जिद नहीं है ये मंदिर है, उन सबूतों को इन भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने तोड़ करके उन सबूतों को मिटा दिया।